हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का चिर परिचित दोस्त आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम आप लोगों को अस्थमा यानी कि दमा रोग से छुटकारा पाने के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि कोई भी नए वीडियो हम अपडेट करें, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, आज हम आप लोगों को अस्थमा ठीक करने का रामबाण नुस्खे लेकर आए हैं। दोस्तों, अस्थमा ठीक करने के लिए आपको केवल कलौंजी का प्रयोग करना है। आज हम सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि अस्थमा के मरीजों की संख्या अधिकतम बढ़ती चली जा रही है और वे अंग्रेजी दवा खाते खाते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदे नहीं होते हैं। केवल दो चार दिन फायदे होते हैं, दवा के अनुसार ही उन्हें फायदे होते हैं। दवा बंद होने पर उनके अस्थमा शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अस्थमा एक ऐसा रोग है, आपके सांस बार बार फूलती रहती है, आप परेशान होते चले जाते हैं। जैसे अगर आपका सांस रुक जाती है तो सोचते हैं आप लोग कि हमारे प्राण निकल जाएंगे, अब क्या करें। तो दोस्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा आपको अवश्य मिलेगा, केवल आपको कलौंजी का बीज लेना है। आप लोग जानते हैं कि हर सब्जियों के मसालों के साथ कलौंजी का प्रयोग किया जाता है, तो उसी कलौंजी को आपको लेना है, और लेकर आप उसे अपने घर पर खरीद लीजिए। खरीद कर ले आएं, और ले आने के बाद आप उसे पीस दीजिए। पीसने के बाद आप उसे किसी बर्तन में रख दीजिए, डिब्बे की सहायता में, यानी कि आप डिब्बे में उस पाउडर को रख देते हैं। तो आपको रोज़ाना सुबह शाम खाली पेट कैसे सेवन करना है, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। दोस्तों, अगर अस्थमा यानी कि दमा रोगियों के लिए अगर एक पाव दूध मिल जाता है तो सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि अस्थमा रोगियों के लिए एक पाव दूध और दो चम्मच कलौंजी के पाउडर का सेवन रोज़ाना सुबह शाम करने से अस्थमा रोग जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। केवल एक हफ्ते इसका प्रयोग आप करते हैं तो अस्थमा रोग जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। अगर आप दूध नहीं पाते हैं तो आप शहद में ही इसे चाटते हैं, तो आपके अस्थमा रोग जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इनके सेवन लगातार 10 दिन करते हैं तो आपके अस्थमा यानी कि दमा रोग जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों और मित्रों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भेज दो, उन लोगों तक पहुंचा दो जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है।